जिंदगी बार बार मौका नहीं देती है, हर एक नई सुबह एक नया चांस लेके आती है। अगर रोज विफल हो रहे हो तो होने दो, लेकिन मानो मत ना कि आप हार रहे हो। ये जिंदगी ऐसे ही चलती है, हर एक एग्जाम, हर एक परीक्षाएं ऐसे ही होती है। जिस इंसान को आप देख रहे हो कि उसने ये वाला एग्जाम निकाला, खाली आप उसको यही देख रहे हो ना कि उसने ये वाला एग्जाम निकाल लिया, उसकी नौकरी लग गई, लेकिन उसके पीछे की कहानी, उसके पीछे का स्ट्रगल कभी देखा नहीं, देखा दिखता भी नहीं है। और आप वही स्ट्रगल करना नहीं चाहते यार। एक बहुत बड़े स्ट्रगल के बाद ही एक सरकारी नौकरी मिलती है। आपको कई सारे एग्जाम में फेल होना पड़ेगा, ये मान लो, तब जाके आप अपने मंजिल तक पहुँचोगे। आपको हर किताब से लड़ना होगा। किसी भी बुक को जब लेके बैठते हो ना, तो ऐसा लगता है कि ये बुक ख़राब है, इस बुक से नहीं आएगा, ये बुक मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा टाइम ख़राब हो रहा है, मेरा तरीका गलत है, मुझे तो इतना देर पढ़ना चाहिए, मैं इतना ही देर पढ़ रहा हूँ, ये सारे थॉट आएंगे। इन थॉट से लड़ना ही तो होता है मेहनत। आज अभी इस वक्त आप जो कर रहे हो ना, अगर यही करोगे तो आगे भी आज जो मिला है वो यही मिलेगा। पिछले कई साल से आपने जो गलतियाँ करी हैं, आज आप दृढ़ निश्चय लें कि मैं कोई भी गलती नहीं करूँगा, किसी की भी बात नहीं सुनूंगा, मैं केवल पढ़ूंगा, मुझे केवल पढ़ना है। आपको अपने माँ बाप के लिए पढ़ना है। जब आपकी नौकरी लग जाएगी ना और पहले महीने की सैलरी आएगी, उस सैलरी को याद करो। अभी का स्ट्रगल, अभी का दर्द, अभी का फेलियर सब भूल जाओगे। ये जो अभी का स्ट्रगल है ना, ये बस सह लो। इसी सहने को ही तो कहते हैं प्रोसेस, इसी को तो कहते हैं मेहनत। अगर आप यही नहीं करोगे तो कहाँ से आपकी सरकारी नौकरी लगेगी? आप अच्छी दिनचर्या के साथ आज अभी इसी वक्त सबसे पहले अपने मम्मी पापा से बात कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, और एक नई शुरुआत के साथ, एक नई सुबह के साथ अपना ड्रीम, अपनी ड्रीम नौकरी के बारे में एक पेज में लिखिए, उसको अपने दीवार पर चिपकाइए और भिड़ जाइए। यूट्यूब पर सब कुछ पड़ा हुआ है। कुछ मत सोचिए कि कोई कोर्स लेना पड़ेगा, किसी टीचर से मिलना पड़ेगा, कोई स्पेशल बुक लेनी पड़ेगी, कुछ नहीं। केवल दीवार पे लिख के चिपका दीजिए, मुझे रेलवे में जाना है, मुझे पुलिस बनना है, मुझे लेखपाल बनना है, लिख लीजिए और उस चीज़ को यूट्यूब पे सर्च करके भेज जाइए। टाइम मत खराब कीजिए, नौकरी लग जाएगी, सैलरी आएगी, माता पिता के चेहरे पे खुशी आएगी। आप अपना, अपने माँ बाप का जीवन बदल सकते हो, बशर्ते आज आपको उठना पड़ेगा। तो मेरी इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी वीडियो नहीं देखोगे, जो मैंने बोला है वो करोगे, माँ बाप का आशीर्वाद लोगे, अपनी ड्रीम जॉब के बारे में लिखोगे और यूट्यूब पे आने के बाद उसी नौकरी से रिलेटेड वीडियोस सर्च करोगे, उसका सिलेबस, उसका टॉपिक और नोटबुक लेके भेज जाओगे, और अगले 6 महीने 8 महीने में आप वो सरकारी नौकरी ले लोगे। जय हिंद।